इंडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मनदीप कौर। गेस्ट हाउस सीसी को गेस्ट हाउस मालिक ने बताया गलत, कहा पहले ही दे दी थी प्रशासन को चाबी। फोर सीजन नाम के गेस्ट हाउस को जिला प्रशासन ने सीज कर दिया, उसका कारण अनधिकृत निर्माण बताया गया। आपको बता दें कि कल प्रयागराज के लूकरगंज मोहल्ले में एक कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन करने के लिए उस गेस्ट हाउस के सामने एक बिल्डिंग का उपयोग हो रहा था, जो कि वो भी गेस्ट हाउस के मालिक हैं। पर वहां जब परिवार की महिलाएं और बच्चे पहुंचे तो उस जगह की गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला वहां बिखरी गंदगी को दिखाते हुए प्रशासन पर आरोप लगा रही थी कि इतनी गंदी जगह पर हम को रोका जा रहा है, हम कैसे यहाँ रह पाएंगे। वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने उस परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया और दूसरे दिन उस गेस्ट हाउस को सीज करवा दिया। अब गेस्ट हाउस के मालिक का कहना है कि जिला प्रशासन उनके साथ जबरदस्ती इस तरह का व्यवहार कर रहा है और उनके गेस्ट हाउस को जबरन सीज किया गया है, जबकि उस गेस्ट हाउस और उसके सामने की भी जगह 10 दिन पहले ही उनके द्वारा प्रशासन को दी जा चुकी है। गेस्ट हाउस के मालिक ने यह भी बताया कि 10 दिन पहले गेस्ट हाउस की चाबी जिला प्रशासन को सौंप दी गई थी और इस गेस्ट हाउस में पुलिस की टीम रुकी हुई। परेशानी किसी तरह की? कोई परेशानी। अच्छा, आप लोग कब से रुके हुए? एक हफ्ता हुआ। आज सील किया प्रशासन ने किसी कार्रवाई के तहत, तो कोई कमी थी क्या यहाँ पे? पता भी नहीं चला। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या है यहाँ पे आरक्षी? कब से हैं यहाँ पे? एक हफ्ते हो गए। कोई तरह की किसी गेस्ट हाउस में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये सील हुआ है, ये कोई कारण बताया गया आपको? नहीं, इसके बारे में तो कोई कारण हमें नहीं बताया गया। अच्छा, परिचय दे दीजिए अपना। रणजीत चौहान, कांस्टेबल, पुलिस लाइन से ड्यूटी लगी है, जनवासे भी थी। और कुछ दिन बाद सकरगढ़ के जो कोरोना मरीज मिले थे उनको भी गेस्ट हाउस की सामने वाली जगह में रोका गया था, जिसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाकर सफाई करवाएं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गेस्ट हाउस और सामने की जगह प्रशासन को सौंप देने के बाद गेस्ट हाउस और सामने की जगह की साफ सफाई की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ही बनती है, क्योंकि उन्हीं के लोग वहाँ पर रुक रहे हैं या फिर उनको जिनको वह रोकना चाहते हैं वह वहाँ पर रुकते हैं। गेस्ट हाउस के सामने वाली जगह में गंदगी की बात गेस्ट हाउस मालिक ने स्वीकार की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह ही यहाँ की साफ सफाई का जिम्मा जिला प्रशासन का है, ना कि उनका। डीएम के ऊपर आरोप मढ़ते हुए गेस्ट हाउस मालिक ने कहा कि जो यह बात कही जा रही है कि मैंने जिला अधिकारी का फोन नहीं उठाया, वह सरासर गलत है। उनके द्वारा कोई फोन गेस्ट हाउस के मालिक को नहीं किया गया था और ना ही गेस्ट हाउस की चाबी उनके पास है, बल्कि उनको परेशान करने के लिए और अपनी खामियों को, गलतियों को छुपाने के लिए जिला प्रशासन इस तरह की कार्यवाही उनके साथ कर रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा गेस्ट हाउस सीज कर दिया गया है और वहां रहने वाली पुलिस टीम को वहां से निकालकर दूसरे स्थान पर भेजा जा चुका है। जिला प्रशासन की यह कोई पहली लापरवाही नहीं है, इसके पहले भी एक वीडियो जिला प्रशासन की लापरवाही का और वायरल हो चुका है, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य भेजे जाने वाले मजदूरों को केला दिया जा रहा था, जिसमें मजदूर एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करते हुए नजर आए थे और यह भी आरोप लग रहा था कि जिला प्रशासन ने उन मजदूरों के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं की थी। यहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोगों को जागरूक करने और एक दूसरे का सहयोग करने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज जिला प्रशासन अपने ही लाइफ में चलते हुए उनके प्रयासों को भट्टा लगा रहे हैं। आइए सुनाते हैं गेस्ट हाउस मालिक ने क्या आरोप लगाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरा ये गेस्ट हाउस पिछले 10 दिनों से और सामने की जगह जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बना है, ये दोनों मैंने प्रशासन को, ऋतुकेश श्रीवास्तव जो कि क्षेत्रीय लेखपाल हैं और चौकी इंचार्ज प्रदीप पाल के माध्यम से प्रशासन को सौंप रखा था, जिसकी ताला चाबी भी पुलिस पार्टी जो यहाँ रुकी है उनके पास थी, वो ही इसको खोलते थे, बंद करते थे, आते थे, जाते थे, सारी जिम्मेदारी उनकी थी। इसके अलावा कल जो वीडियो वायरल हुआ उसके पहले उस क्वारंटाइन सेंटर में शंकरगढ़ से आए लोग रुके हुए थे और उनके जाने के बाद प्रशासन ने उस जगह की कोई सुध नहीं ली, जिस कारण से वो वीडियो वायरल हुआ और जो सच्चाई भी है।
उस जगह पर कोरोना पेशेंट आए रहे, इस वजह से हमारा वहाँ जाना, साफ़ सफाई करवाना एक रिस्क वाला काम था, इस वजह से हमने वहाँ नहीं किया। इधर फोर सी एन गेस्ट हाउस में पुलिस पार्टी रुकी हुई है। इन्होंने कल रात को ये कहा कि मैंने गेस्ट हाउस का दरवाज़ा नहीं खोला, गेट नहीं खोला। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जिस जगह की चाबी, जिस जगह का सारा मैनेजमेंट मैंने प्रशासन को 10 दिन पहले सौंप दिया था, वहाँ पुलिस पार्टी रुकी हुई है, आ रही है, जा रही है। और डीएम साहब ये कह रहे हैं कि उनके फ़ोन के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला। आप ही बताएं, क्या ये पॉसिबल है? एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम मुझे फ़ोन करेगा पहले, तो यही मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, जो ऐसा होगा होगा नहीं। अगर उन्हें कोई बात कहनी होगी तो अपने मातहतों से कहलवाएंगे, ना कि मुझे फ़ोन करेंगे। दूसरी बात, एक थाना प्रभारी भी अगर कहेगा तो किसी व्यापारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गेट ना खोले या रूम ना खोले। वो तो ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम साहब हैं। तो उन तक ये बात जो पहुंचाई गई है वो गलत है कि हमने गेट नहीं खोला। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा, पिछले 10 दिनों से रेखपाल ऋतुकेश और चौकी प्रभारी प्रदीप पाल के थ्रू से के कारण ये उनके पास ही था, और उनकी वजह से ही यहाँ पुलिस पार्टी थी, उनका खाना पीना रहना, और यहीं से ड्यूटी सब जगह वो लगवा रहे थे। मेरा क्या रोल है मुझे नहीं समझ में आया। आज इन्होंने जो यहाँ पर सीज किया है, लिखते हैं अनाधिकृत निर्माण होने के कारण। तो मुझे एक छोटी सी बात पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है, किसी भी तरह का सिविल मैटर ना तो नोटिस किया जाएगा, नया नया डिस्प्यूट पैदा किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। अगर ये कल के सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो से संबंध नहीं है, तो क्या इनको ये कार्रवाई आज ही करनी थी? और अगर की, तो क्या इसके लिए नोटिस का प्राविधान नहीं है? क्या मुझे बताया गया इसके बारे में? मुझे अभी भी ये नहीं बताया गया है कि ये सीजिंग की कार्रवाई क्यों करी गई है। वो क्वारंटाइन सेंटर था जिसके वीडियो वायरल है, वो भी क्या आप ही का है? वो क्वारंटाइन सेंटर भी मेरा है, शायद डीएम साहब को इसकी जानकारी नहीं है, वो मेरे द्वारा ही दिया गया है। जहाँ शाहगंज थाने से अब से 15 या 20 दिन या 1 महीना पहले जो लाए गए थे 40 सस्पेक्ट, उनको भी यहीं रखा गया था। उसके बाद शंकरगढ़ से जो लाए गए थे उनको भी यहाँ रखा गया था। इस दौरान लगातार यहाँ पर शासन प्रशासन के अधिकारी, मातहत, पुलिस प्रशासन सब यहाँ मौजूद थे। उन्होंने यहाँ एक अपना अलग बसेरा बना रखा है, जिनकी सारी सुविधाएं, कोशिश हमारी ये रहती है कि हमारे द्वारा पूरी कर दी जाए। तो प्रशासन की तरफ से आप गेस्ट हाउस में पुलिस को रुकाया गया था, और करंट सेंटर जो सी स्पेस थी उसमें उन लोगों को रुकाया गया था? हमने दोनों जगह दे दिए था। अब ये प्रशासन का काम था कि पुलिस पार्टी को कहाँ रुकाए और कोरोना पेशेंट्स को कहाँ रुकाए, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा सिर्फ इतना काम था, उन्होंने हमसे जगह की डिमांड करी, हमने ताला चाबी सहित किसी कमरे में देखिए ताला नहीं बंद है, उसमें लोग पुलिस वाले रहते हैं, उठते हैं, बाथरूम यूज़ करते हैं, और उनका ही कब्जा है वहाँ। आज 4 बजे के बाद उनको, जब सीजिंग कार्रवाई के बाद उनको यहाँ से हटा लिया गया। आपका परिचय? मैं अरुण कुशवाहा, फोर सीजन गेस्ट हाउस का मालिक बोल रहा हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब